आज साडे सूबे का मुख्यमंत्री 6 महीने 10 महीने पहले उत्थे बैठा हुंदा सीगा। आई थिंक द होल हाउस नोज दैट द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब यूज्ड टू सिट इन दैट कॉर्नर। ते सर मैं थानू चैलेंज कर दिया कि तुसी पिछले स्पीकर तो ले लो जिहड़ी किन्नी सारी कंप्लेंटा उत्थों आईयां सीगियां उहनां दे अपनी पार्टी दे दूजियां तो कि साडी सीट बदल दो। जिहड़ा मुख्यमंत्री पार्लियामेंट दे विच 11 बजे नशे की हालत च आउंदा सी उह हुण सूबा चला रहा हैगा। सर सर तुसी भुल्ले नहीं होगे कि आई जद पहली बारी बनिया सी, सर सर जद पहली बारी इत्थे आया सीगा थानू बिट्टू जी थानू क्यों मुर्चा लग रही ने, मैनू पता है थोड़ा बेली सीगा लेकिन जिहड़ा कर रहा उहनूं तां तुसी भी नहीं नकार सकते। सर पार्लियामेंट की वीडियोग्राफी, 4 दिन पहले हमने जवानों को उनको नमन किया जिन्होंने अपनी शहादत देती इस पार्लियामेंट की सुरक्षा के लिए, तो वो हमारे मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने एमपी बनके तो पूरे पार्लियामेंट की वीडियोग्राफी बाहर से लेके अंदर तक कराई ताकि किसी को जो नहीं पता लगे हमारे देश के उधर दुश्मन बैठे हो उनको अच्छी तरह से पता लग जाए कहां से अंदर जाते हैं कहां से बाहर जाते हैं। और इसलिए स्पीकर साहब ने एक पूरा सेशन उनको बाहर का रास्ता दिखाया था। ये कमेटी बनी थी, मेहताब जी उसके मेंबर थे और पूरा उनका सेशन बाहर ने, क्योंकि ये तो उनकी सोच थी, ये तो उनकी समझ थी। 11 बजे क्या आते थे, आसपास के सारे बोलते थे हमारी सीट बदल दो। सर जब बोलते थे लोग आके इधर बैठे होंगे पहलवान जी कहीं पे जाके उनको किया क्या, ये तो हालात हैं सर। सर ये बन गए हमारे बदलाव वाले मुख्यमंत्री। अब सर मुख्यमंत्री तो क्या है, उसके ऊपर बेचारे के 2 सुपर मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, उन्होंने तो चलो अपनी शादी ब्याह कराई तो क्या शराब नशा नहीं है तो क्या है। मैं उसी के ऊपर तो बोल रही हूँ कि नशे से इंसान का क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री ये हिसाब हो गया तो स्टेट का क्या हिसाब होएगा, आप सोचिए 10 महीनों में क्या होया। सर 10 महीनों में नशों से ये हालत हो गया है कि आज सड़कों के भी लिखा होता है डोंट ड्रिंक एंड डोंट ड्राइव, तो यहाँ पे ड्रिंक करके ड्राइव किया, ये तो स्टेट को ड्राइव कर रहे हैं। और केजरीवाल कहते हैं 2019 की इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने अपने माता के सिर की कसम खाई थी कि मैं आज के बाद शराब नहीं हाथ लगाऊंगा क्योंकि इलेक्शन जीतनी थी। और केजरीवाल कहते बहुत बड़ी कुर्बानी करी है भगवंत मान जी ने, इतनी बड़ी कुर्बानी कोई नहीं कर सकता। सो सर वो तो कुर्बान हो गए, मुख्यमंत्री बन गए और पिछले 10 महीनों में हमारे पंजाब का क्या हाल हुआ। सर एक नेशनल शेम से मैं शुरू करना चाहूंगी क्योंकि कुछ ही महीने पहले, एक आधा महीना पहला होगा कि बाहर गए जर्मनी में हमारे पंजाब के बारे में चर्चा करने के लिए, और चर्चा तो ये होके रह गई कि लुफ्तेंजा की फ्लाइट से पहली बारी एक मुख्यमंत्री को ऑफलोड किया गया। सर कभी आपने सुना है इस देश में किसी मुख्यमंत्री को जहाज से ऑफलोड किया जाए? सर लुफ्तेंजा की फ्लाइट ने ऑफलोड कर दिया क्योंकि उस मंत्री से कि चढ़ नहीं पाए। अब सर इधर के हमारे मंत्री जी ने कहा था जो एविएशन मिनिस्टर है कि मैं जांच करूंगा तो जांच करके बताऊंगा, लेकिन वो जांच क्यों दबा दी जरा ये भी वो बता दे। और सर उस हालत में, इतने अच्छे हालत में वो थे कि उन्होंने कहा बीएमडब्ल्यू हमारे पंजाब में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा रही है, तो सर अगले दिन बीएमडब्ल्यू ने खंडन कर दिया, हम तो कोई फैक्ट्री नहीं लगा रहे हैं। तो सर ये ऐसी नेशनल शेम इस हालात में, तो आप सोचिए मुख्यमंत्री के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, तो सूबे राज्य का क्या हाल हो रहा होगा।